विदेशी बाजारों में कमजोर रुख से दिल्ली मंडी में गुरुवार को सीपीओ, पामोलिन और सोयाबीन में गिरावट का रुख रहा। दूसरी ओर देश में खुदरा मांग को पूरा करने के लिए छोटी पैराई मिलों की मांग बढ़ने से सरसों तेल तिलन के भाव में सुधार देखने को मिला। बाकी तेल तिलनों के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। वहीं सूत्रों ने कहा है कि मलेशिया एक्सचेंज में 0.8% की गिरावट है, जबकि फिलहाल शिकागो एक्सचेंज सामान्य रहा। उन्होंने कहा है कि विदेशी बाजार में गिरावट के बीच स्थानीय तेल तिलन कीमतों में भी गिरावट आई है। बाजार के जानकारों ने कहा है कि इंडोनेशिया ने सीपीओ और पामोलिन पर निर्यात कर में $34 प्रति टन की वृद्धि कर दी है और रुपये में यह वृद्धि ₹255 प्रति क्विंटल की है। सूत्रों ने कहा है कि 29 अक्टूबर को आयात शुल्क मूल्य का निर्धारण किया जाएगा और इस शुल्क को खाद्य तेलों के बाजार भाव के हिसाब से निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे आयातकों को अपने सौदों को लेकर निश्चिंतता और आसानी रहती है। इससे तेल की उपलब्धता बढ़ेगी। आयात शुल्क मूल्य को बाजार भाव के अनुरूप रखने की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि शुल्क दरें पहले भी काफी कम हैं। सूत्रों का कहना है कि देश में लगभग 5,000 सरसों की छोटी मिलें हैं जो खुदरा मांग को पूरा करती हैं। जाड़े में सरसों की मांग बढ़नी शुरू हो गई है और अब इन छोटे तेल मिलों की दैनिक मांग लगभग 60,000 बोरी से बढ़कर 80,000 बोरी की हो गई है। मांग बढ़ने के साथ साथ सरसों की उपलब्धता निरंतर कम होती जा रही है। यह उपलब्धता दीपावली के बाद और कम हो जाएगी। सरसों का जो भी थोड़ा बहुत स्टॉक है वह बड़े किसानों के पास ही रह गया है। सरसों की अगली फसल में लगभग 4.5 महीने का समय बाकी है क्योंकि बिजाई इस बार देरी से हुई है। सूत्रों का कहना है कि सरकार को खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उनका कहना है कि सोयाबीन की नई फसल की आवक के समय वायदा कारोबार में भाव कम चल रहा है। ऐसा जानबूझकर इसलिए किया जाता है ताकि किसानों को सस्ते में अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर किया जा सके। उनका कहना है कि सरकार को सरसों की ही तरह सोयाबीन के वायदा कारोबार पर भी रोक लगाना चाहिए ताकि सट्टेबाजों पर अंकुश लगाया जा सके। सूत्रों ने यह भी कहा है कि किसी भी राज्य को मूंगफली और सोयाबीन पर स्टॉक लिमिट नहीं लगाना चाहिए। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने किसानों के हित के लिए पहले से ही इसे लागू करने से मना कर दिया है। सूत्रों ने कहा है कि देसी तेल पर स्टॉक लिमिट लगाने का कोई औचित्य भी नहीं है क्योंकि गरीब उपभोक्ता सोयाबीन और पामोलिन जैसे सस्ते आयाती तेल अपना चुके हैं और इन तेलों पर स्टॉक लिमिट लागू नहीं है। सरकार को इन आयाती तेलों के भाव भी निगरानी रखनी होगी कि ये उपभोक्ताओं को किस दर पर बेचा जा रहा है और उन्हें गिरावट का लाभ मिल भी रहा है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।